हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। और मैं हूँ पूजा। तो आज आपको मैं ले चलती हूँ अपने मायके के गांव में। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और आने के बाद काव्यांश ने अपना ड्रेस चेंज किया क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी और अपनी मामी के गोद में है। और यहाँ पे देखिए, माँ आम दिखा रही है क्योंकि आज आम का कुछ बनने वाला है। और ये अभी अपने नाना जी से बहुत दिनों बाद मिला है तो थोड़ा मस्ती इधर उधर कर रहा है। और साथ में जैसे ये आया है दोपहर के समय, भाभी ने इसको पायल भी गिफ्ट कर दी है। बहुत दिनों से इसकी पायल भाभी के पास थी क्योंकि ये आ नहीं रहा था, और ये जैसे ही पहुंचा है भाभी ने इसको पायल पहना दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो आज काव्यांश लड़की बन चुका है, ठीक है, और थोड़ा सा मस्ती करेगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर में ही रहती हूँ अभी प्रेजेंट में, और वो मैं शहर में रहती हूँ और ये गाँव है। मतलब अभी अभी जो काव्यांश है वो अपने अपने घर नहीं गया है, वो अभी इसी घर में है। तो मम्मी का कहना है कि जब इसकी पसनी हो जाएगी तभी अपने घर जाएगा। देखते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं या ऐसे ही चलने देते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ गांव में, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इस समय पे हमारे यहाँ पे घर पे बन रही है तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं। तो अरहर को पहले धुला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको भूना जाता है। भूनने के बाद उसको ऐसे चक्की में दरा जाता है, इसके बाद इसको छलनी से चाला जाता है, तब जाके दाल निकलती है। और फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर चालने के बाद उसको, उसका जो भी छिलका होता है उसको फटक के निकाला जाता है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। और आपको पता है ये सारी प्रोसेस ना, अभी जो आप टीचिंग के लिए EVS पढ़ते हो ना, तो उसमें ये सारी प्रोसेस रहती है कि दाल खेतों से लेके खाने तक में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सारी प्रोसेस यही है। और ये देखिए, किचन में एक बहुत बड़ा सा जानवर घुसा है, तो मैं उसको देख के बड़ा आश्चर्य कर रही थी। पर भाभी ने बताया नहीं, वो नेवला है। तो यहाँ पर एक छोटा सा छेदा है, वहाँ से वो अंदर आ जाता है। तो जैसे मैं वीडियो बनाने लगी वो देख के भाग गया। और थोड़ी देर के बाद काव्यांश को यहाँ पे नीचे लिटा दिया गया है क्योंकि हम सारे लोग यहीं पे थोड़े थोड़े काम में लगे हुए थे क्योंकि भाभी अकेले कर रही थी। तो अकेले कोई भी काम करो तो बहुत ज़्यादा लगता है, और भाभी मना भी कर रही थी लेकिन हमने और मम्मी ने माना नहीं, थोड़ा थोड़ा लग गए। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि परेशान कर रहा था, लेकिन मम्मा ने पूरा सहयोग किया। उसके बाद काव्यांश बाबू के नहाने का समय हो चुका है तो वो नहाएंगे, और यहाँ खाना बनाने का समय हो गया है। तो अब आती है आम की बारी। आम का आज बन रहा है बगजा। हमारे यहाँ पे इसको बगजा ही कहा जाता है। उसमें बेसन को ऐसे, बेसन की छोटी छोटी सी जैसे बूंदी निकाल के, और फिर इसी इसके आम को, आम का पना निकाल के उसमें डाला जाता है। तो वो सारा प्रोसेस हो रहा है। तो भाभी यहाँ पे बूंदी निकाल रही हैं, तब तक मैं इसके आम को निकाल लेती हूँ। तो जब गांव आओ ना तो इतना अच्छा सा फीलिंग आती है क्योंकि यहाँ चूल्हे का खाना इतना टेस्टी लगता है। मतलब वैसे तो भाभी अकेले रहती हैं तो गैस में ही बना लेती हैं, लेकिन जब हम लोग आते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि भाभी आपको चूल्हे में ही बनाना है। और इधर साइड जो ये कच्चा वाला घर दिख रहा है आपको, इधर ही चूल्हे का खाना बनता है। तो फिर भाभी को यहाँ पर डबल से काम हो जाता है, वो यहाँ सफाई करती हैं। बाकी तो रहते हैं हम लोग इधर वाले घर में हैं, लेकिन उनको डबल से काम हो जाता है। और ये नहाने धोने के बाद अपनी नानी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा है क्योंकि नानी इसको 10 दिन के बाद मिली है। 10 दिन तक मम्मा गांव में थी और मैं यहाँ थी। और ब्लॉग ना आने का कारण ये भी था क्योंकि मैं अकेली थी, तो इसके साथ थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पाता, कितना भी मैनेज करो पर नहीं होता है। और फिर ये आया शाम का समय। तो शाम को अंधेरा होने के पहले ही हम लोग कटहल बना लेंगे। तो आज बन रही है कटहल की सब्जी, तो उसके लिए कटहल भाभी ने काट ली क्योंकि अंधेरे में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सब कुछ काट के, और आज पूरा सिल में ही मसाला पिसेगा और फिर इसके बाद बनेगी कटहल। आपने मुझे वहाँ के किचन में बहुत देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती रहती हूँ, तो आज मैं आपको यहाँ पे भी कुकिंग करके दिखाती हूँ। तो ये है किचन यहाँ का, और मैं चूल्हे में आग वाग भाभी ने लगा दी है और पूरा प्रॉपर कढ़ाई चढ़ी हुई है, और मैं यहाँ पे तल रही हूँ कटहल। तो ऐसा नहीं है कि मैं चूल्हे में खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं प्रॉपर सारी चीज़ें बना लेती हूँ। बस मुझसे रोटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रीज़न ये है कि प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस ना होने का कारण कि बहुत कम जाना होता है गांव में,
जब कभी रेगुलर रह जाऊँ तो करना हो जाए, लेकिन फिर भी क्या होता, जैसे एक दो दिन के लिए गए तो भाभी करने भी नहीं देती हैं, और वो तो मैं ज़बरदस्ती ही बना रही थी। और यहाँ पे देखिए मसाले पीस रही हैं, और ये सारे मसाले इन्होंने सिल पे पीस दिए हैं, और ये कटहल तल गई है। तो कहा जाता है कि जो कटहल होती है वो वेजिटेरियन के लिए नॉनवेज का काम करती है, तो नॉनवेज की तरह ही सारे मसाले इसमें पड़ते हैं, ढेर सारे मसाले, और साथ में बिल्कुल फ्राई होता है वैसे ही। और आपको बताऊँ, मैंने इतनी बार कटहल खाई है, पर आज जो कटहल का टेस्ट था ना, क्योंकि कटहल तो मैंने कई दिन पहले खा लिया है और वही सुबह मैं आज करने बैठी हूँ, तो जो टेस्ट था ना वो रियल में, ये मतलब आप नहीं कह सकते, A1 क्वालिटी, इतना यमी। और ये रोटी के साथ, रोटी देखिए हाथ से बनवा रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मुझे, मेरे हस्बैंड को, मम्मी को, सबको बहुत पसंद है चूल्हे की रोटी। बस रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बनाना नहीं होता है, इसलिए मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चूल्हे में रोटी बना के इनको खिलाऊं, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। लेकिन ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम रेगुलर नहीं करते ना, तो हमारे लिए पहाड़ होता है। और ये देखिए थाली लग गई है, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। बहुत छोटा सा ब्लॉग ही लेके आई थी, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी एक और विलेज ब्लॉग आएगा, उसको देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो कर लीजिए।